हेलो टू ऑल ऑफ यू बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंडक्टिंग कैविटीज के बारे में। लास्ट क्लास में भी हमने इसके बारे में पढ़ा था, उसका छोटा सा रिवीजन ले लेते हैं कि हमने लास्ट क्लास में क्या किया था। एक कंडक्टिंग कैविटी ली थी, ये पूरा का पूरा मेटल का बना हुआ था, उसके सेंटर पे रखा था हमने चार्ज क्यू। इसका इनर रेडियस था R1 और आउटर रेडियस था R2, ठीक है, जहां तक कि मुझे याद है। तो वही यूज करते हम लोग। इसका इनर रेडियस था R1 और आउटर रेडियस है इसका R2। और हमें क्या बोला गया था कि हमें निकालने के लिए बोला गया था इलेक्ट्रिक फील्ड एट ABC, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ABC, ठीक है। तो वो हमने अच्छे से निकाला था, हमने उसके पूरा टेबल बना के किया था हमने, और जहाँ पे हमने जाकर के उसके क्या कहते हैं सारे के सारे निकाले थे, और फिर हमने टोटल भी निकाला था, सब कुछ किया था हमने। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना, ये एक स्टेप और एडवांस हो जाता है। एडवांस कैसे होगा, जरा देखो इस चीज को। यहाँ क्या बोला गया कि सेंटर पर तो चार्ज रखा गया क्यू, हमने 2Q चार्ज बाहर से इसके ऊपर डाल दिया सरफेस पे। अगर 2Q चार्ज हमने सरफेस पे डाला है, ठीक है, तो क्वेश्चन है कि सरफेस पे चार्ज कितना होगा, क्या 2Q होगा कि अलग होगा। तो देखो कैसे समझते हैं। अगर यहाँ पे चार्ज क्यू है तो इस सरफेस इनर कैविटी पे, ठीक है, जो चार्ज आएगा वो क्या आएगा, इनर कैविटी पे जो चार्ज आएगा वो आएगा इनर कैविटी पे जो चार्ज आएगा वो होगा माइनस क्यू। यहां माइनस क्यू चार्ज आएगा इनर कैविटी पे। क्यों माइनस क्यू चार्ज आएगा, ठीक है, क्योंकि इनर क्यू पे माइनस क्यू इसलिए आएगा ताकि ये जो हमारा जो यहां पे हम गॉसियन सरफेस बनाएंगे उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाए, जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने के लिए इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज क्या होना चाहिए, तो जीरो होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे क्यू आ रहा है तो इस सरफेस पे कितना चार्ज होगा, तो आंसर है कुल मिला के इस सरफेस पे चार्ज होगा माइनस क्यू, ठीक है। ये चार्ज पूरा इधर में स्प्रेड होगा, ठीक है, लेकिन पूरा स्प्रेड चार्ज किसके इक्वल होगा, तो आंसर है वो माइनस क्यू के इक्वल होगा, ठीक है। अच्छा, अब हमने इसको बाहर से कितना चार्ज दिया, 2Q। अब बाहरी सरफेस पे चार्ज कितना होगा, मान लो एक्स होता है एक बार के लिए। अब अगर एक्स है तो टोटल चार्ज कितना हो गया इस कैविटी में, एक्स और माइनस क्यू, और टोटल चार्ज हमने दिया कि टोटल चार्ज हमने कितना दिया, 2Q दिया, तो ये 2Q के इक्वल होगा ना, एक्स हो जाएगा 3Q। व्हाट इज द सरफेस ऑन द आउटर सरफेस, तो आंसर है व्हाट इज द चार्ज ऑन द आउटर सरफेस, तो आंसर है चार्ज ऑन द आउटर सरफेस हो जाएगा 3Q। क्लियर। अब अगर हमसे बोला जाए इस पे कि ये वाला पार्ट भी रेस कर देता हूं, अगर हमसे बोला जाए कि बताओ हमारे पास तीन पॉइंट है, एक ए पॉइंट है, ये ए लिखा हुआ है, ठीक है, हमारे पास एक पॉइंट है बी और हमारे पास एक पॉइंट है सी, ठीक है, यहाँ तीन ए बी सी। यहाँ बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए क्या होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए बताना अपने को, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए हो जाएगा के क्यू, ये दूरी हमेशा क्या लेते हैं सेंटर से इसकी, आर लेंगे, के क्यू बाय आर हो जाएगा। और ये शेल है, नेगेटिव चार्ज है, बाहर का शेल है पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन इन दोनों की वजह से ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा, बिकॉज हमने पढ़ के रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड इन साइड अ शेल इज जीरो, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड केवल क्यू क्रिएट करेगा, ठीक है। अच्छा, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जब प्लस क्यू से दूरी कितनी हो जाएगी, तो आंसर है के क्यू बाय आर हो जाएगा। अच्छा, ये नेगेटिव वाले चार्ज की वजह से यहाँ पे कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आंसर ये माइनस के क्यू बाय आर हो जाएगा। अच्छा, ये वाला जो बाहरी शेल है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी क्या हो जाएगा, तो आंसर वो जीरो हो जाएगा, कुल मिला के जीरो हो गया। अच्छा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी की बात, और देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर जीरो होता है, ये कंडक्टर वाला पार्ट है, ये कंडक्टर वाला पार्ट है, क्लियरली, ठीक है, याद रखना दिस इज अ कंडक्टर, मतलब ये जो मैंने शेड किया ना, ये आयरन कॉपर किसी से बना होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड सी की बात करें अगर हम लोग, तो वो हो जाएगा के क्यू बाय आर, ठीक है,
माइनस की वजह से हो जाएगा माइनस के क्यूब बाय आर, और बाहरी शेल की वजह से हो जाएगा के इंटू कितना चार्ज है आउटर सरफेस के ऊपर, तो आंसर है 3Q चार्ज है इंटू 3Q बाय आर। ठीक है, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कितना हो जाएगा ये, और ये कट जाएगा तो क्या बचेगा 3KQ बाय आर बचेगा। अगर हमें पोटेंशियल निकालने के लिए बोला जाए तो पहले जैसे किया था हम लिख सकते के क्यू बाय आर, बाहरी सरफेस की वजह से अंदर में पोटेंशियल क्या होगा, तो आंसर है माइनस के क्यू बाय आर वन। ठीक है, और आउटर मोस्ट सरफेस की वजह से क्या हो जाएगा प्लस के के इंटू 3Q बाय आर टू, ये पोटेंशियल एट हो जाएगा। इन द सेम वे पोटेंशियल एट बी क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा के क्यू बाय, इसकी दूरी कितनी होगी यहां से स्मॉलर हो जाएगी, और ये चार्ज कैसा है प्लस है, माइनस क्यू की वजह से क्या होगा माइनस के क्यू बाय आर, अच्छा बाहरी शेल की वजह से क्या हो जाएगा प्लस के इंटू 3Q बाय आर टू। ठीक है, ये दोनों कट जाएंगे तो यही बचेगा आंसर। क्लियर, अच्छा उसके बाद अगर हमसे पूछा जाएगा एट पॉइंट सी, एट पॉइंट सी क्लेम क्या ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा के क्यू बाय आर, के क्यू बाय आर अंदर वाले इस शेल की वजह से क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा माइनस के क्यू बाय आर, और आउटर मोशन की वजह से क्या हो जाएगा प्लस 3KQ बाय आर। ठीक है, ये हो जाएगा आउटर मोशन की वजह से, यहाँ पे ये दोनों पार्ट कट जाएगा। ठीक है, और ये बच जाएगा। ठीक है, समझना ध्यान से, यहाँ पे आर टू आ रहा है लेकिन यहाँ पे आर आ रहा है, क्यों आर टू आ रहा है, बिकॉज ये पॉइंट इस शेल के अंदर है। ठीक है, इस शेल के अंदर अंदर पोटेंशियल कॉन्स्टेंट होता है, दैट इज गिवन बाय KQ बाय रेडियस। ठीक है, तो ये आपको इस तरह से हमको वैल्यू मिल जाएगी। तो देखो तो एक चीज, इन द सेम वे अगर मान लो हमारे पास अगर ऐसा कोई शेल दिया जाए, यहां पे अगर हमने बोला गया है, हमें बोला गया कि यहां पे अगर चार्ज है माइनस क्यू, ठीक है, तो यहां पे हमने चार्ज बाहर से दिया है माइनस 3Q, यहां माइनस क्यू, तो यहां पे कितना आएगा चार्ज, प्लस क्यू आएगा। ठीक है, तभी तो यहाँ पे गॉसियन सरफेस में जीरो होगा। अच्छा, यहाँ पे प्लस क्यू, यहां मान लो कितना आएगा भारी में एक्स आएगा, तो हम क्या बोल सकते हैं एक्स प्लस क्यू इक्वल्स टू माइनस 3Q, तो एक्स कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा माइनस 4Q हो जाएगा। क्लियर, अच्छा अगर हमको बाहरी वाले पॉइंट पे, अगर यहाँ पे फिर से अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए बोला जाए, सीधे पॉइंट सी में हमको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए बोला जाए, तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे निकालने के लिए बोला जाए हो जाएगा, इसकी वजह से हो जाएगा ये डिस्टेंस आर होगा, तो के क्यू बाय आर का स्क्वायर माइनस के क्यू बाय आर का स्क्वायर, ये माइनस के क्यू ये वाला हो जाएगा, और प्लस के क्यू बाय आर स्क्वायर इसका हो जाएगा, ये वाला सरफेस के लिए प्लस के इंटू माइनस 4Q बाय आर का स्क्वायर। ठीक है, ये आउटर शेल में कितना चार्ज है, तो माइनस 4Q। ठीक है, अब देखो एक बात तो तुम समझो ध्यान से, जो बोलना चाह रहा हूं मैंने यहाँ पे पता खाली लास्ट के लिए निकाला है, बाकी सब अंदर के लिए तुम निकाल सकते हो, खुद से कोई दिक्कत नहीं है, तो आ जाएगा। एक चीज समझो यहाँ पे ध्यान से, जब मैंने पॉइंट सी लिया था बाहर में, सी पर जब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, तो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा था, चार्ज ऑन द आउटर सर्फेस, दैट इज 3Q पे। इसको इनर चार्ज से कोई मतलब नहीं है, इनर चार्ज में क्यू था उससे मतलब नहीं है, किस पे डिपेंड करा, सिर्फ चार्ज ऑन द आउटर सर्फेस। जब हम बात करते हैं यहाँ पे सी पे, हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे चार्ज माइनस क्यू, यहाँ पे प्लस क्यू, आउटर सर्फेस पे कितना माइनस 4Q है। अगर हम सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो वो किस पे डिपेंड करता है, चार्ज ऑन द आउटर सर्फेस। एक चीज बहुत काम की है, बहुत समझने वाली, दिमाग में बैठा लेने की है, कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है आउटर सर्फेस पे, वो किस पे डिपेंड करता है, सो इट डिपेंड्स ऑन द चार्ज ऑन द आउटर सर्फेस। ठीक है, ये एक पॉइंट है जो पहले मैं एक एक करके लिखा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, इनफैक्ट पूरा स्फीयर ही इंपॉर्टेंट है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो हमने सीखा यहाँ से, दो चीज से, एक तो यहाँ से और एक हमने जो सीखा यहाँ से, ठीक है, यहाँ से सीखा हमने एक और एक हमने यहाँ से सीखा, क्योंकि ये दोनों तो कैंसिल कर जाएंगे, तो के इंटू माइनस 4Q बाय आर स्क्वायर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कंक्लूड करके लिख दिया,
देखो वो पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड अ कंडक्टिंग कैविटी आउटसाइड अ स्फीयर विथ कंडक्टिंग कैविटी डिपेंड्स ऑन चार्ज ऑन आउटर सरफेस। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है ना ये तुम लोग को लिख लेना। ठीक है, यहां पर एक चीज समझने वाली है कि बाहर में अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो वो सिर्फ आउटर सरफेस के चार्ज पे ही डिपेंड करते हैं। इनर में चार्ज कुछ भी हो उससे बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड में फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब देखो सीधी सी बात है, अगर इनर चार्ज बाहर पे कोई भी तरह के इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट नहीं कर सकता है, कोई भी तरह का इफेक्ट क्रिएट नहीं कर सकता। अगर मान लो मैंने यहाँ पे चार्ज क्यों रखा, तो इस या यहाँ पे चार्ज मैं स्मॉल क्यों रखता हूँ, अगर या चार्ज क्यों रखता हूँ, तो इस ये चार्ज क्यू पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड कौन क्रिएट करेगा यहाँ पे, तो आंसर आउटर सर्फेस वाला चार्ज ही क्रिएट करेगा। इस पे फोर्स कौन एग्जर्ट करेगा, तो आंसर आउटर सर्फेस वाला चार्ज ही यहाँ पे फोर्स क्रिएट करेगा। इनर सरफेस वाला चार्ज यहाँ पे किसी भी तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट नहीं करेगा, तो यहाँ पे इनर सरफेस वाला चार्ज यहाँ पे किसी भी तरह का फोर्स एग्जर्ट नहीं करेगा। अगर इनर सरफेस इस चार्ज पे फोर्स एग्जर्ट नहीं करेगा तो ये वाला चार्ज भी इनर सरफेस पे फोर्स एग्जर्ट नहीं करेगा। समझ लो यहाँ पे ध्यान से, अंदर वाले चार्ज को कोई मतलब नहीं है बाहर वाले चार्ज से, बाहर वाले चार्ज को कोई मतलब नहीं है अंदर वाले चार्ज से। अगर हमने यहाँ पे चार्ज क्यूब को रखा तो ये वाला चार्ज यहाँ पे, ये वाला चार्ज इस क्यूब पे कोई तरह का फोर्स नहीं लगाएगा क्योंकि ये बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड खाली इस पे डिपेंड करता है। हमने अभी तुरंत देखा, ठीक है, हमें लिखा भी है। तो ये वाला जो, अगर ये वाला चार्ज इस पे फोर्स नहीं करेगा बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो ये वाला चार्ज भी इस पे फोर्स एग्जर्ट नहीं करेगा क्योंकि हमने पढ़ा न्यूटन्स थर्ड लॉ से कि फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट। अगर ये इस पे जीरो फोर्स अप्लाई कर रहा है तो ये भी तो इस पे जीरो ही अप्लाई करेगा क्योंकि इक्वल एंड ऑपोजिट होता है, तो ये जीरो तो ये भी जीरो। ठीक है, एक चीज हमने यहाँ पे सीखा। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि इस सिचुएशन में यहां पर ये जो चार्ज है ना, ठीक है, ये वाला जो चार्ज है इस तरह से बिहेव करता है अंदर का चार्ज। मान लो पूरे बाहर में खाली कंडक्टर ही कंडक्टर है, इसको ऐसा ये कंडक्टर में ऐसा ये बिहेव करेगा, पूरा का पूरा बाहर में क्या है, कंडक्टर है, मतलब इसकी वजह से बाहर में कंडक्टर वाले पॉइंट में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जीरो होगा क्योंकि नेट चार्ज जीरो है ना। गॉसियन सरफेस ड्रॉ करके देख लो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगा, इसके लिए पूरा बाहर में कंडक्टर ही कंडक्टर स्प्रेड होगा, ऐसा ये बिहेव करता है। क्लियर, अच्छा एक बात देखो, और यहाँ पे ये जो फिनोमिना होता है ना, ठीक है, इस फिनोमिना को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का मतलब क्या हो गया कि ये पूरा रीजन जो है शील्डेड है इस बाहर के कोई भी तरह के इलेक्ट्रिक फील्ड। शील्ड मतलब क्या होता है, शील्ड मतलब कवच होता है ना। कवच क्या होता है, कवच जब युद्ध होता था तो क्या कहते हैं, आर्मी वाले क्या करते थे, अपने पूरे बॉडी पे ऐसा एक लोहा का लगाते थे, ठीक है, पूरे सीने पे, तो बाहर से कोई भी तीर अगर आता था उसको अफेक्ट नहीं कर सकता था, तो वो बचे हुए रहते थे, ठीक है, वो शील्डेड, वो बचे, शील्ड मतलब वो कवच को बोलते हैं। ठीक है, यहां पर क्या है, यहाँ पे ये वाला जो है ना कैविटी में बाहर का कोई भी चार्ज यहाँ पे फोर्स एग्जर्ट नहीं कर सकता, ठीक है, तो ये क्या, ये वाला कैविटी वाला पार्ट क्या शील्डेड है, शील्डेड है मतलब यहाँ पे कोई भी तरह का बाहर के चार्ज का इफेक्ट नहीं पड़ सकता है, बाहर के चार्ज का फील्ड का इफेक्ट यहाँ पे नहीं पड़ सकता। अगर तुमने मान लो तुम्हारे पास कोई बहुत ही सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, जैसे कि हम टीवी यूज करते हैं, मोबाइल फोन यूज करते हैं, अब उस मोबाइल फोन को यूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें वहां पे मोबाइल फोन को यूज करने के लिए हम चाहते हैं कि उसके बहुत सारे सेंसिटिव पार्ट होते हैं जिसको हम चाहते हैं कि हम बचा के रखें बाहर के फील्ड से, तो हम क्या करते हैं उसको फील्ड को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसा करके बनाते हैं, ठीक है, कैविटी बनाते हैं, उसके अंदर हम उस डिवाइस को रख देते हैं,
ठीक है, उसके अंदर उस डिवाइस को रखेंगे तो बाहर का कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड, बाहर का कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो चार्ज से प्रोड्यूस होगा उसके साथ छेड़खानी नहीं कर सकता। आई मेरी बात समझ में? दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। और मैं इसका तुम्हें एग्जांपल भी देता हूँ कि जो हमारा क्या कहते हैं, जो लिफ्ट होती है ठीक है, वो पूरी ऑलमोस्ट मेटल की बनी होती है, ठीक है। तो मेटल की बनी होती है, तो वो लिफ्ट अगर पूरी मेटल की बनी होती है तो हम कैसे होते हैं, हम लिफ्ट में, वो लिफ्ट जो होती है पूरी कैविटी की तरह बिहेव करती है। हम जब लिफ्ट के अंदर होते हैं तो हम एक कैविटी में होते हैं, ठीक है। और जो हम जब फोन से हम निकालते हैं किसी से बात करने के लिए, तो हम देखते हैं कि हम लिफ्ट के बाहर होते हैं तो फोन से हमारी बात हो रही होती है, जैसे लिफ्ट के अंदर घुसते लिफ्ट बंद हो जाती है, आवाज आनी बंद हो जाती है। क्यों बंद हो जाती है? क्योंकि लिफ्ट के अंदर क्या होता है, वो कैविटी होती है, वहां पे बाहर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही थी ठीक है, वो उसके अंदर कैविटी के अंदर नहीं आ पाती है, ठीक है, ठीक है, जिसकी वजह से आवाज नहीं आ पाती, ठीक है। इसके और भी एग्जांपल है, ट्रेन में कितनी बार टावर नहीं आता, बिकॉज ट्रेन मेटल की बनी होती है, अंदर में वो उस तरह से बिहेव करती है, ठीक है, तो हमारा रेंज नहीं आ पाती है। बाहर का कैविटी में क्या होता है, बाहर का फील्ड अफेक्ट नहीं कर सकता, इसका चार्ज बाहर के चार्ज को अफेक्ट नहीं कर सकता है। बाहर में कोई चार्ज है तो उसकी वजह से फील्ड अंदर में अफेक्ट नहीं हो सकती है, नहीं कर सकती है, ठीक है। इसका एग्जांपल एक और देख लो, जनरली कितनी बार क्वेश्चन आता भी एग्जाम में कि मान लो कभी लाइटनिंग होती है, ठीक है, लाइटनिंग मतलब क्या होता है, जब बिजली कड़कती है तो आसमान से क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के शावर होते हैं जो नीचे जमीन पे गिरते हैं। जमीन पे जब किसी आदमी के ऊपर ये इलेक्ट्रॉन्स के शावर गिरेंगे तो वो मर जाएगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स मतलब क्या होता है, करंट बनाती है, और इतनी हाई करंट होती है कि वो आदमी मर जाएगा। तो बोला गया मान लो कभी लाइटनिंग होगी तो क्या करना चाहिए, तो लाइटनिंग को तो बेस्ट सूट, बेस्ट चीज क्या होती है, बेस्ट चीज ये होती है कि तुम किसी कार के अंदर जाकर के बैठ जाओ। कार बनी होती है मेटल की, तुम उसके अंदर, और कार का अंदर वाला पार्ट क्या होता है, वो कैविटी की तरह बिहेव करता है। जब चार्ज गिरेगा ना तो हम क्या होते हैं, चार्ज बाहरी चार्ज होता है, ठीक है, वो कैविटी के अंदर कोई अफेक्ट नहीं प्रोड्यूस कर सकता है। अगर कैविटी के अंदर किसी भी तरह का अफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, तो हम अंदर में कैसे रहते हैं, सेफ रहते हैं। तो ये जो होता है ना फिनोमिना, इसको मैं कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। बहुत काम की चीज होती है, ठीक है, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट को प्रोटेक्ट करने के काम में आती है फ्रॉम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अच्छा, अब अगर हमसे पूछा जाएगा कि यहां पर, इसको मैं रेस कर देता हूं, अब हमसे अगर पूछा जाएगा कि इस पॉइंट के अंदर, ठीक है, जो कि बी पॉइंट है कंडक्टर के मेटल वाले पार्ट में, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कि कौन से, टू चार्ज इनसाइड माइनस वाला, ये वाला, या पहले इसको प्लस ही लेते हैं ना, अंदर में क्या प्लस है, प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू आई, कौन सा माइनस, ये वाला जो सरफेस पे, प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एक्सटर्नल, ठीक है। और मान लो हमने क्या किया है, यहां पे हमने क्या किया है, यहां पे हमने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड सेट कर दी बाहर से, ठीक है, बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लस ई एक्सटर्नल क्या होगा, जीरो। समझो बात को ध्यान से, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हमेशा जीरो होता है, कंडक्टर के अंदर, क्लियर। शेल के अंदर हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। अब देखो, अब अगर हम यहां पे बात करें तो यहां पे इन सब का सम क्या होगा, जीरो। ये क्या हो गया, इंटरनल चार्ज हो गया, और ये क्या हो गया, ये एक्सटर्नल हो गया, एक्सटर्नल चार्ज ऑन द सरफेस, ठीक है, और ये हो गया एक्सटर्नल फील्ड हो गया। ये दोनों अपना क्या करते हैं, ये दोनों अपना इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो बनाएंगे, इन दोनों का सम जीरो, सेपरेटली जीरो है। ये दोनों मिलकर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनाएंगे, जीरो, और ये दोनों मिलकर अपना इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनाएंगे, जीरो। इसको इससे मतलब नहीं है, इस सेट को इससे मतलब नहीं है, ये दोनों अपना सेपरेट सेपरेट क्या करते हैं, जीरो बनाते हैं, ठीक है। अब यहां पे समझना ध्यान से, अगर हमने बाहर में कोई छेड़छाड़ी की, ठीक है, बाहर में हमने छेड़छाड़ी कैसे कर सकते हैं हम लोग, हमने मान लो यहां पे चार्ज हमने कुछ दिया था, हमारे पास शेल था, ठीक है, और हमने यहां पे कोई चार्ज क्यू प्लेस कर दिया,
ठीक है, इसको हमने चार्ज क्या किया बाहर से, हमने चार्ज कुछ दे दिया इसको, ठीक है, और चार्ज दे दिया हमने इसको लेट से 2q, ठीक है, 2q चार्ज दिया तो यहाँ पे 3q हो जाएगा और यहाँ माइनस q हो जाएगा, अगर हमने चार्ज इसको 2q सप्लाई किया तो। अभी हमने जस्ट देखा था हमने बाहर से क्या किया इलेक्ट्रिक फील्ड सेट कर, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेट कर दिया ना, तो यहाँ पे ये जो चार्ज जो है ना, ठीक है, ये जो ऐसा प्लस 3q था, ठीक है, बराबर बराबर स्प्रेड था, ये चार्ज पता है ऑटोमेटिकली अपने आप को रीअरेंज कर लेगा इन सच ए वे कि ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और ये 3q का इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बना है, तो आंसर है 0 बना है। ये बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड सेट करोगे ना तो ये 3q पे फर्क पड़ेगा और ये अपने आप को अरेंज करेगा और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनाएगा, 0। बाहर में अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अप्लाई किया तो इसके अंदर वाले प्लस क्यू और यहाँ जो इंड्यूस होगा माइनस क्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। याद रखना बाहर में चेंज कर दो, अंदर में कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्लियर। अब अगर मान लो हमने क्या किया, अब हमने दूसरा एक्सपेरिमेंट, हमने बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करेंगे तो क्यू एक्सटर्नल चेंज करेगा इन सच ए वे दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिश टू इनसाइड अ कंडक्टर विल रिमेन 0 एट एवरी पॉइंट, क्लियर। अच्छा अब देखो अगर हमने ऐसा किया, समझना ध्यान से फिर से, अब अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है ऐसा, ठीक है, अब हमने क्या किया यहाँ पे हमने चार्ज कर दिया 2q, ठीक है, तो बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और ये क्यू एक्सटर्नल बाहर में कितना था, हमने चार्ज सप्लाई, यहाँ पे जो चार्ज है ये क्या कहते हैं हम 2q है, ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या किया, हमने एक थोड़ा सा दिमाग लगाया, हमने ना यहाँ पे चार्ज कितना रखा था, क्यू रखा था, ठीक है, अगर हमने यहाँ पे चार्ज क्यू रखा था तो हमने अब एक काम किया, हमने इस चार्ज को कर दिया यहाँ पे क्यू, ठीक है, लेकिन हम इसको सेंटर पे नहीं रख के यहाँ पे लेके आ जाते, ठीक है, हमने क्या किया इसको खिसका दिया यहाँ पे, जब खिसकाएंगे ना यहाँ पे इस क्यू को, हमने इधर खिसका दिया क्यू को, इधर खिसकाने से, ठीक है, हमने क्यू को अंदर ही अंदर चेंज कर दिया, क्यू को अंदर की तरफ खिसकाने से बाहरी सरफेस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, इस पे किसी भी तरह का फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्लियर। बस होगा क्या, यहाँ पे ये क्यू को अगर एडजस्ट करेंगे ना हम लोग तो यहाँ पे जो इनर सरफेस पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो बदल जाएगा इन सच ए वे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस इनर सरफेस की वजह से और इस प्लस क्यू की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, 0 होगी। कहने का मतलब है तुम अंदर वाले चार्ज के साथ छेड़खानी करो, ठीक है, तो ये अंदर वाला चार्ज चेंज करेगा इन सच ए वे कि बाहर वाले इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, 0। हम बाहर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ छेड़खानी करते हैं, ठीक है, तो इसके आउटर सरफेस क्या हो जाएगा, उसका चार्ज चेंज कर जाएगा इन सच ए वे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, 0। अंदर में अगर हमने चार्ज को हिलाया विलाया, ठीक है, तो उससे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड पे यहाँ पे कोई भी फर्क पड़ने वाला, बाहरी सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड पे फर्क पड़ने वाला कोई भी नहीं है, क्लियर। तो ये दोनों अपने आप में इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है, अंदर वाला जो होता है, ठीक है, वो अंदर पे डिपेंड करता है, ठीक है, उसको कोई मतलब नहीं है बाहर से, बाहर वाले को सिर्फ बाहर से मतलब है, उसको अंदर वाले से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये हमने यहाँ पे सीखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है, दिस इज ओनली कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पे हम आगे क्या समझते हैं, अब हम आगे ये देखेंगे ना कि मान लो हमारे पास कोई कंडक्टर है जो कि ऐसा शेप का, ठीक है, एक अंदर में तो हमारे पास परफेक्ट ये ऐसा शेप का अंदर में, और बाहर में जो हमारा जो कंडक्टर है ना वो इरेगुलर शेप का, ठीक है, हमारे पास एक चार्ज यहाँ पे
तो हमने सेंटर पे रखा है क्यू, क्लियर, सेंटर पे रखा है क्यू, तो इस सरफेस पे चार्ज कैसा इंड्यूस होगा, तो आंसर है नेगेटिव इंड्यूस होगा। चार्ज की वैल्यू क्या होगी, तो आंसर है माइनस क्यू होगी, ठीक है। और बिल्कुल से सिमेट्री के हिसाब से होगा, सेंटर पे रखा है तो यहाँ बिल्कुल सर्कल है, तो यहाँ पे बिल्कुल चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा। इन सच में कि हम कोई भी पॉइंट अगर यहाँ पे पकड़ लेते हैं कंडक्टर में, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो आंसर है जीरो। अच्छा, अब अगर मान लो यहाँ पे क्यू है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे हो जाएगा माइनस क्यू, तो बाहरी सरफेस पे चार्ज कैसा होगा, तो आंसर है वो प्लस क्यू हो जाएगा। अब अगर बाहरी सरफेस पे चार्ज अगर प्लस क्यू हो जाएगा, तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है बाहरी सरफेस पे, क्या वो यूनिफॉर्म रहेगा कि वो नॉन यूनिफॉर्म रहेगा, तो आंसर है बाहरी सरफेस यूनिफॉर्म, बाहरी सरफेस उबड़ खाबड़ है। कहीं पे इसका देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसा है, छोटा है, कहीं पे देखो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना बड़ा जाएगा, देखो ऐसे जगह जाएगा ना, ऐसा बड़ा जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या देखा है कि जब भी उबड़ खाबड़ सरफेस होता है कंडक्टर में, तो जो चार्ज डेंसिटी होती है, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। तो यहाँ पे क्या है, रेडियस जो है छोटा है, यहाँ पे चार्ज डेंसिटी कैसी होगी, ज्यादा होगी। यहाँ पे रेडियस कैसा है, बड़ा है, यहाँ चार्ज डेंसिटी कैसी हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। यहाँ पे चार्ज डेंसिटी अगर दिखाओ तो कुछ ऐसा होगा, ये कम होगी, ठीक है। तो ऐसा सवाल एग्जाम में आता है, ठीक है, कि हमारे पास एक कंडक्टर है जो कि इरेगुलर शेप का, उसके अंदर कैविटी है, हमने चार्ज को सेंटर पे रखा है, तो बताओ इनर सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगा कि नॉन यूनिफॉर्म होगा, तो आंसर यूनिफॉर्म होगा, ठीक है। तभी तो यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे अगर हम जाएंगे तो डिस्टेंस के क्यू बाय आर फिर माइनस के क्यू बाय आर होकर जीरो होगा। बाहरी सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, तो आंसर बाहरी सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होगा, क्योंकि बाहरी कंडक्टर में जहां पे रेडियस छोटा छोटा होता है, वहां पे इलेक्ट्रिक चार्ज कैसा होता है, ज्यादा होता है। बाहरी चार्ज को तो मतलब ही नहीं है अंदर अंदर कैसा चार्ज है, वो तो अपना जो रूल फॉलो करता है वही रूल फॉलो करता रहेगा, ठीक है, कि स्मॉलर द रेडियस ग्रेटर इज द चार्ज डेंसिटी, ठीक है, उसको बाहर उसको अंदर से मतलब ही नहीं है। अच्छा, अब एक सवाल देखो, और मान लो कि अगर हमारे पास ऐसा कोई सरफेस है उबड़ खाबड़, ठीक है, और बाहर जो है ना हमारे पास, बाहर हमारे पास परफेक्ट सर्कल है, ये ऐसा, ठीक है, ये हमारा हो गया, ये मेटल है पूरा का पूरा, ये पूरा मेटल है, इसको हमने क्या किया है, यहां पे हमने चार्ज क्यू रखा, ठीक है। अब चार्ज क्यू अगर हम यहां पे ला करके रखते हैं, या मैं इसके पहले ना कि दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं, वो इजी पड़ेगा, उसके बाद ये वाला एग्जांपल लूंगा मैं। वो एग्जांपल क्या, देखो वो एग्जांपल ये कहता है ना कि यहां पर भी सर्कल है, अंदर में भी सर्कल है, बाहर भी सर्कल है, ठीक है, लेकिन अब जो चार्ज है ना, वो सेंटर पे नहीं है, वो सेंटर से इधर है, ठीक है। अब यहां पे ये क्या, ये पूरा जो है ना, ये पूरा कॉपर का बना हुआ है, ठीक है, जो पूरा पार्ट है ना कॉपर का बना हुआ है कंडक्टर। अब यहां पे पूछा गया है कि अगर हमने यहां पे रखा चार्ज क्यू को, सेंटर पे नहीं है, तो क्या यहां पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यहां पे यूनिफॉर्म होगा, तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पे चार्ज का नेगेटिव चार्ज कैसा होगा, ज्यादा होगा इंड्यूस, क्योंकि इसके नजदीक है, और ये चार्ज ऐसा इंड्यूस होगा कि इसके हर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इस क्यू की वजह से और इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, यहाँ पे हर पॉइंट पे जीरो रहेगा, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा कम होगा, क्लियर। अच्छा, दूसरा सवाल, अब यहाँ पे अगर क्यू रखा है, तो इस पे यहाँ पे चार्ज माइनस क्यू आएगा, तो बाहर में चार्ज कैसा होगा, प्लस क्यू होगा। क्या बाहर में चार्ज यूनिफॉर्म होगा, तो आंसर है बिल्कुल यूनिफॉर्म होगा। क्यों यूनिफॉर्म रहेगा, क्योंकि बाहरी सरफेस कैसा है, बिल्कुल
सेम रेडियस है, इसलिए बाहरी में कैसा सरफेस हो, बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, तो आंसर है यूनिफॉर्म रहेगा। बाहर में इलेक्ट्रिक चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहेगा, तो आंसर है वो यूनिफॉर्म रहेगा। ठीक है, अच्छा अब ये तीसरा केस देखो, ये केस नंबर वन, ये केस नंबर टू, ये केस नंबर थ्री, तीनों नोट कर जाना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीजें, ये सब चीजें एग्जाम में आईटी में आती हैं। अब क्या बोला गया कि हमारे पास एक स्फीयर है, अंदर में जो है ना, ठीक है, ऐसा कैविटी है, क्लियर, और बाहर में जो कैविटी है ना, ठीक है, वो भी ऐसी ही है, आड़े तेड़े। यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रखा गया, ठीक है, तो पूछा गया कि यहाँ पे चार्ज इंड्यूस कैसा होगा, तो यूनिफॉर्म कि नॉन यूनिफॉर्म, तो आंसर है नॉन यूनिफॉर्म, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम, और इस तरह से होगा ना, ठीक है, जो कि इसके नजदीक होगा वहां पे चार्ज ज्यादा होगा, ठीक है, और इस तरह से इंड्यूस होगा, ठीक है, कि हर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी ना, ठीक है, वो क्या होगी, जीरो, ठीक है, ड्यू टू दिस इनर चार्ज। और बाहर में कैसा होगा, चार्ज बाहर में प्लस क्यू होगा, और यहाँ पे रेडियस कम होगा, ठीक है, वहां पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, जहां पे रेडियस बड़ा होगा, ठीक है, वहां पे चार्ज डेंसिटी कैसी होगी, कम होगी, ठीक है, जैसे यहाँ का रेडियस काफी बड़ा हमको दिख रहा है, यहाँ चार्ज डेंसिटी काफी कम है, ठीक है, तो ये हमको समझ में आ गया। फिर से कंक्लूजन में तुमको खत्म कर देता हूँ, दो मिनट के कंक्लूजन में मैं क्या बताना चाहूंगा, यही बोलूंगा कि अगर हमारे पास कोई कैविटी या कंडक्टिंग कैविटी है, तो उसके कंडक्टिंग कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, ठीक है, अगर हमने उसके कैविटी के अंदर किसी चार्ज को रख दिया है, ठीक है, तो ये चार्ज यहाँ पे इंड्यूस करेगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है, और अगर हम ये चार्ज को कोई मतलब नहीं है बाहर के किसी चार्ज से, ठीक है, और बाहर का कोई भी चार्ज इसके डिस्ट्रीब्यूशन को फर्क नहीं कर सकता है, ये अपने अपने में ही रहते हैं, ठीक है, इनको किसी बाहर से मतलब नहीं होता, ये जो बाहरी चार्ज होता है, ठीक है, उसकी वजह से जो भी फील्ड होता है वो खाली बाहरी चार्ज को अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, बाहरी चार्ज और बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड मिल करके इस कंडक्टर में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, तो आंसर है जीरो प्रोड्यूस करेंगे। इनर चार्ज, ठीक है, ये जो यहाँ पे इंड्यूस्ड है और ये जो चार्ज हमने अंदर रखा है, ये कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो प्रोड्यूस करेंगे, ये यहाँ पे जीरो प्रोड्यूस करते हैं, ये अपना जीरो प्रोड्यूस करते हैं, ये अपना जीरो प्रोड्यूस करते हैं, इसको आगे पीछे हिला दो, ठीक है, तुम देखोगे क्या कि यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑटोमेटिकली चेंज करेगा, ठीक है, इन सच्चे वे कि ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, जीरो, ठीक है, बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा दो, ठीक है, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑटोमेटिकली चेंज करेगा, इन सच्चे वे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, जीरो। बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम अप्लाई कर देते हैं, इससे अंदर वाले चार्ज में कोई भी मोशन नहीं होगा, अंदर वाला अंदर के साथ, बाहर वाला बाहर के साथ, ठीक है। अच्छा, अगर हमसे पूछा जाएगा दूसरी बात कि बताओ कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इनर कैविटी पे कब यूनिफॉर्म रहता है, ठीक है, तो जो मैंने तीन डायग्राम ड्रॉ किए ना, ठीक है, तीनों डायग्राम की जल्दी से एक समरी देख लो, एक उसको मैं इरेज कर देता हूं, क्वेश्चन ये होगा, इनर कैविटी में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो यूनिफॉर्म कब होता है, तो उसके लिए दो कंडीशन इनर के लिए, पहला कैविटी इज स्फेरिकल, ठीक है, दूसरा चार्ज इज एट सेंटर, तो कैसा होगा यूनिफॉर्म, जैसे देखो यहाँ पे सेंटर पे था, बराबर था, यहाँ पे सेंटर पे नहीं था, यहाँ पे अलग था, यहाँ पे अलग था, यहाँ पे देखो शेप आड़ा तिरछा है, ठीक है, यहाँ पे सब नॉन यूनिफॉर्म होगा। सेकंड, कि बाहरी सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म कब होता है, तो आंसर उसका एक ही है, बाहरी सरफेस कैसा होना चाहिए, आउटर सरफेस, बाहरी सरफेस पे कब यूनिफॉर्म होगा, तब होगा जब आउटर सरफेस कैसा होगा, आउटर सरफेस इज स्फेरिकल, अगर आउटर सरफेस अगर आड़ा तिरछा होगा तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा। आईटी के टॉपिक्स में ये वाला जो टॉपिक है वन ऑफ द मोस्ट कंसेप्चुअल टॉपिक माना जाता है, वन ऑफ द सबसे टफ टॉपिक माना जाता है, ठीक है,
क्लियर। लेकिन अगर तुमको ये बातें जो भी समझ में अगर अच्छे से आ जाती है कि इनर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बाहर से अफेक्ट नहीं होता, बाहर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इनर को अफेक्ट नहीं करता है, तो मेरे इतनी सी बात अगर समझ में आ जाती है और ये सब अगर तुम्हें समझ में अगर आ जाता है ना, तो इस चैप्टर को समझने में तुम्हें कहीं कोई तकलीफ नहीं होगी। ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा। अब देखो इस पे से एक क्वेश्चन कैसे आ चुका है एंट्रेंस में, देखो ये मैं सब इरेज कर देता हूँ। एंट्रेंस में कैसा क्वेश्चन इस पे आ चुका हो देखो, क्या मैं एक क्वेश्चन आईआईटी में ऐसा आ चुका हुआ है। क्वेश्चन कैसा था, एक बोला कि एक शेल है, ठीक है, उसके बाद इसके अंदर दूसरा शेल है, उसके बाद क्या और क्या बोला गया कि शेल पे ना एक बोला गया कि इसका जो चार्ज है ना, ठीक है, वो जो चार्ज है इस पे दिया गया है, यहाँ पे चार्ज रखा गया, ठीक है, सेंटर पे नहीं यहाँ पे रखा गया, ठीक है, इसके चार ऑप्शन दिए गए थे, तो बताना कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा। ठीक है, तो मैं तो ना सीधे आंसर बता देता हूँ, ठीक है, ऑप्शन भी बता दूंगा क्या क्या ऑप्शन थे। तो इसपे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, देखो ये चार्ज यहाँ पे, तो यहाँ पे इंड्यूस करेगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे ज्यादा इंड्यूस होगा, यहाँ पे कम इंड्यूस होगा, ठीक है। और हमने एक बात पढ़ के रखी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी कंडक्टर पर हमेशा कैसे जाके मीट करता है, तो आंसर राइट एंगल पे जाके मीट करता है। हमने ये इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी सीखी थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज एट राइट एंगल टू द कंडक्टर, ठीक है। तो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात करें तो ये कंडक्टर पे ऐसे जाएगा, 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 और यहां पर ये ऐसा आएगा, मतलब यहां पे अगर हम इसका एंगल नापेंगे ना तो ये 90 डिग्री रहेगा, ठीक है, ये ऐसा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, ये क्यू सेंटर पे नहीं है। अगर ये क्यू अगर सेंटर पर अगर होता ना तो डायग्राम ऐसा बनता, कुछ ये परफेक्ट हम इसको बना सकते हैं, ठीक है। अगर ये अगर यही क्यों अगर ये परफेक्ट अगर सेंटर पे होता तो फिगर ऐसा बनता, ठीक है। अच्छा ये सेंटर पे अगर होता ना यहाँ पे ये ऐसे जैसे जाते, रेडियल जाता सीधे, लेकिन यहाँ पे क्या ये मुड़ जाता है, क्यों, क्योंकि तो यहाँ पे ऐसे जाकर के वो 90 डिग्री पे नहीं हो सकता, ये ऐसे जाएगा, यहाँ जाके टर्न करके सच्चे में या टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ना तो ये ऐसे जाएगा, देखो ऐसे जाएगा ना, अगर हमने इस लाइन को थोड़ा ऐसा मुड़ेगा, ये ऐसा मुड़ेगा ये, कि अगर हमने यहाँ पे सेंटर को देखा ना अगर, ठीक है, अगर हम इस लाइन को बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे ना तब जाके सेंटर पे जाएगा, तब जाके राइट एंगल बनेगा, ये ऐसे मुड़ जाती है इलेक्ट्रिक, ठीक है। दूसरी बात कि जब बाहरी सरफेस पे बात करेंगे, बाहरी सरफेस कैसा है, तो ये स्फेरिकल है, यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, तो आंसर बिल्कुल से यूनिफॉर्म होगा, ये हमने अभी जस्ट देखा था कि आउटर सरफेस स्फेरिकल होगा तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होता है, तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा दिखाएंगे, फिर परपेंडिकुलर दिखा देंगे, ये सब ऐसे यहाँ पे सेंटर अगर होगा ना इसका सेंटर इस पे ऐसे दिखा देंगे परपेंडिकुलर,
पीछे एक्सटेंड करोगे जाके सब इस के सेंटर पे जाके मीट करेंगे, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। अभी एग्जाम में ऑप्शंस क्या क्या थे, दो ऑप्शन तो ऐसे थे एग्जाम में जिसमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी ना, एक की शेप ये थी और पास करी थी अंदर से, दूसरी शेप कैसी थी, वो ऐसी थी और पास करी थी अंदर से। जब अंदर से पास करी हो तो उसको देख के छोड़ देना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी कंडक्टर के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती है, इसलिए उसको देख के इग्नोर मार देने का। तीसरा क्या था, तीसरा ऐसा शेप था और बाहर में ऐसे था, ठीक है, ये तो हो ही नहीं सकती थी क्योंकि ये सेंटर पे नहीं है। और चौथा कैसा था, चौथा ऐसा था जिसमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड कर्व हो रही थी, ठीक है, और यहाँ पे जाकर के मीट कर रही थी राइट एंगल पे, ऐसे को 90 डिग्री पे मीट करते हुए दिखा रही थी यहाँ पे, ठीक है। अगर ऐसा होगा तो वो यहाँ पे क्या होगा, वो हम उसको ऑप्शन को चूज कर लेंगे। अगर ये ऐसा दे देते बोलो, ठीक है, अगर ऐसा दे देते यहाँ पे ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिक, यार ये तो यहाँ टेंजेंट ड्रॉ कर दो, ठीक है, ये सेंटर होगा इसका अगर, तो एंगल ये तो 90 डिग्री हो ही नहीं सकता, दिस कांट बी 90 डिग्री, 90 तो सेंटर से ऐसे ज्वाइन करना होता ना, सेंटर से ज्वाइन कर देता ना 90 डिग्री आता है, ठीक है, तो यहाँ पे रख के हम ऐसा ड्रॉ कर देंगे, दिस कॉट बी 90 डिग्री। हाँ, अगर मान लो मैंने इसको, अगर ये ऐसा पॉइंट है, मैंने इसको ऐसा ऐसा कर्व लेके आता थोड़ा सा, कर्व लेके आता हूँ सच्चे में, कर्व करके इसको मैं थोड़ा बैकवर्ड एक्सटेंड करूं, तो अगर वो सेंटर से पास होते हुए दिखेगा तो वो क्या होगा, 90 डिग्री हो सकता है। इसलिए जब यहाँ पे है ना, अगर मुझे यहाँ पे 90 डिग्री ड्रॉ करना है तो कर्व करना ही पड़ेगा इन सच्चे वे, कि वो कर्व का पीछे वाला एक्सटेंड होकर कहां से पास करेगा, सेंटर से, और यहां पे भी सेम टू कुछ ऐसा ही हो रहा है, पीछे एक्सटेंड करेगा तो कहां से पास करेगा, सेंटर से, ठीक है। तो ये फिगर होगा, ठीक है, दिस क्वेश्चन केम इन आईआईटी, ठीक है, ये क्वेश्चन तुमको थोड़ा सा समझना होगा ध्यान से, ठीक है, आपका अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो आज के लिए हमारे सेशन यहीं पे खत्म होता है, ठीक है, हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में फिर स्टार्ट करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा एक दो टॉपिक और बचा हुआ है, उसके लिए मुझे लगता है 2 घंटा और लगेगा ये चैप्टर खत्म होने में, ठीक है, ओके, गुड बाय टिल देन, एंड अच्छे से पढ़ाई करना करके।